दोस्तों राजसंगत टेक चैनल आप लोग का स्वागत करता है इस स्मार्टफोन्स की दुनिया में। दोस्तों इस स्मार्टफोन की दुनिया में हम दो स्मार्टफोन को लेकर आए हैं और दोनों फोन को हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं। दोस्तों हमारे एक तरफ का फोन रहने वाला है Realme C53 और हमारा दूसरा तरफ का फोन रहने वाला है iQOL S2 Star। तो iQOL S2 Star और Realme C53 को हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन रहता है, और साथ ही साथ में दोनों फोन का हम रिव्यू भी करने वाले हैं दोस्तों कि दोनों में क्या फीचर दिया गया है, क्या सेटिंग दिया गया है, दोनों में क्या अच्छा देखने को मिलता है, सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो मैं iQOL S2 Star का एक अलग से रिव्यू करके वीडियो अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा S2 Star का, वहां जाकर देख सकते हो। दोस्तों Realme C53 और iQOL S2 Star को हम इस वीडियो में कंपैरिजन तो करने जा ही रहे हैं। दोस्तों मैं Realme C53 और iQOL S2 Pro को भी रिव्यू करके वीडियो अपलोड कर दिया है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट करके देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम Realme C53 और iQOL S2 Star को कंपैरिजन करके देखते हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन सा फोन रहने वाला है। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलती है। दोस्तों बात कर ले दोनों फोन के लुक और डिजाइन के बारे में, तो दोनों फोन का लुक और डिजाइन काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। दोनों फोन का लुक और डिजाइन बिल्कुल आईफोन की तरह ही बनाया गया है दोस्तों, लेकिन आपको iQOL S2 Star में बैक साइड में तीन कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, आईफोन का फील लाकर देता है दोस्तों। और वहीं पर Realme C53 के बारे में बात करें तो इसमें आपको तीन कैमरा सेटअप नहीं देखने को मिलता है, इसमें आपको दो कैमरा सेटअप और एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो दोनों का लुक और डिजाइन तो जबरदस्त दिया गया है, उसमें कोई शक नहीं दोस्तों है। दोनों फोन के प्राइस के बारे में बात करें तो दोनों फोन का प्राइस आपको सेम देखने को मिल जाएगा, 9,500 दोनों का प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि चलिए दोनों का प्राइस तो 9,500 है, तो दोनों में अगर कोई भी फीचर्स ज्यादा और कम देखने को मिले जो फोन तो बिल्कुल बेस्ट ही रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि दोनों फोन का प्राइस बिल्कुल सेम है 9,500। तो बहुत मजा आने वाला है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वीडियो का स्किप नहीं कीजिए, बिल्कुल पूरा देखिए, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। बात करें दोनों फोन के वेट के बारे में तो Realme C53 का वेट 180 ग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, वहीं पर iQOL S2 Star का वेट आपको 300 ग्राम देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों 300 ग्राम मतलब कि इसमें आपको 6000 mAh की लंबी बैटरी दी गई है दोस्तों, इसलिए इसका वेट ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। Realme C53 में आपको 9,500 के प्राइस में आपको 4GB का रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाता है। iQOL S2 Star में 9,500 के प्राइस में आपको 6GB का रैम, 128GB का इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर रैम और स्टोरेज में विजेता रहने वाला है iQOL S2 Star। लेकिन दोस्तों LPDDR4X का रैम टाइप दिया गया है C53 के अंदर, लेकिन iQOL S2 Star में प्रोवाइड नहीं किया गया है कि किस चीज का रैम दिया गया है दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे ऐसे फीचर्स होंगे जो iQOL S2 Star में मिसिंग देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों बात करें दोनों फोन के प्रोसेसर के बारे में तो Realme C53 के अंदर आपको 1.82 GHz का ओक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ठीक है प्राइस के हिसाब से इसमें आपको प्रोसेसर काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। बात कर ले iQOL S2 Star के प्रोसेसर के बारे में तो इसमें आपको 1.6 GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ओक्टा कोर का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है C53 के अंदर, तो ये फोन बेस्ट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो ओक्टा कोर का प्रोसेसर रहता है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा सा इसमें आपको नया प्रोसेसर देखने को, जो क्वाड कोर का प्रोसेसर है S2 Star में ये थोड़ा सा आपको पुराना देखने को मिलता है। बात करें दोनों फोन के कैमरा सेटअप के बारे में तो Realme C53 के अंदर आपको बैक साइड में दो कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा 108 MP का देखने को मिल जाता है दोस्तों, और 2 MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। तो इसका जो कैमरा है काफी जबरदस्त और फारू फैंटास्टिक होने वाला है दोस्तों। लेकिन वहीं पर हम बात करें iQOL S2 Star के कैमरा सेटअप के बारे में तो इसके बैक साइड में आपको 3 कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें मेन कैमरा आपको 21 MP का दिया गया है और 5 MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और 2 MP का आपको सेंसर कैमरा दिया गया है। कैमरा सेटअप के मामले में C53 बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको 108 MP का दिया गया है, तो ये काफी क्लीन फोटो और वीडियो लाकर दे देगा दोस्तों S2 Star, क्योंकि इसमें आपको 21 MP का ही कैमरा देखने को मिलता है दोस्तों। तो कैमरा सेटअप के मामले में आपको C53 बेस्ट रहने वाला है। दोनों फोन के सेल्फी कैमरा के बारे में बात करें तो दोनों ही फोन में आपको 8 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों iQOL S2 Star में आपको पंच होल डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन Realme C53 के अंदर आपको वाटर ड्रॉप नॉच के साथ देखने को मिलेगा दोस्तों। पंच होल डिस्प्ले कैमरा iQOL S2 Star में दिया गया है, तो काफी प्रीमियम देखने को लगता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा जो दिया गया है कैमरा सेटअप काफी मस्त दिया गया है, फैंटास्टिक दिया गया है, लेकिन दोनों में आपको 8 MP का कैमरा दिया गया। बात करते हैं दोनों फोन के बैटरी सेटअप के बारे में तो यहाँ पर बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिल जाता है। Realme C53 के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको 18W के फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। तो Realme C53 बिल्कुल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है दोस्तों। वहीं पर बात करें iQOL S2 Star के बारे में तो इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और लेकिन इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें कई वाट का चार्जर दिया गया, ये प्रोवाइड नहीं किया गया दोस्तों, लेकिन फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। और दोनों फोन में आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाएगा, USB Type-C दोनों में आपको सपोर्टिंग देखने को मिल जाएगा दोस्तों। दोनों फोन के हम डिस्प्ले के बारे में बात कर ले तो Realme C53 के अंदर आपको 6.74 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है दोस्तों। 90Hz का रिफ्रेश रेट है तो काफी अच्छा है,
और दोस्तों इसमें एक और अच्छा बात दिया गया है कि इसमें आपको 560 निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है, जो कि आप आउटडोर में जाकर वीडियो वगैरह शूट करते हो, अपने फोन को यूज करते हो, तो आपको ब्राइटनेस अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। वहीं पर हम बात करें आईकॉन S2 स्टार के डिस्प्ले के बारे में, तो इसमें आपको 6.8 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों। तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा बड़ा आपको S2 स्टार देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है दोस्तों। लेकिन इसमें आपको कितना निट्स का ब्राइटनेस दिया गया है ये प्रोवाइड नहीं किया गया है दोस्तों। पता नहीं आईकॉन क्या कर रहा है, अरे आईकॉन क्या कर रहा है भाई, इसमें जो निट्स ब्राइटनेस है सब प्रोवाइड करके फोन को लॉन्च किया करो भाई। लेकिन दोस्तों दोनों फोन का जो स्क्रीन ग्राफिक है, जिसे हम रिजोल्यूशन कहते हैं, उसमें आपको Realme C53 ही बेस्ट देखने को मिलता है दोस्तों। इसमें आपको 1080p से लेकर 2400 पिक्सल का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है दोस्तों। अगर हम बात करें आईकॉन S2 स्टार का स्क्रीन रिजोल्यूशन के बारे में, तो इसमें आपको 720 से लेकर 1600 पिक्सल का स्क्रीन रेजुलेशन देखने को मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर स्क्रीन ग्राफिक में विजेता रहने वाला है Realme C53। बात कर लेते हैं दोनों फोन के लॉक के बारे में, तो दोनों ही फोन में आपको फेस लॉक ऑप्शन देखने को मिल जाता है दोस्तों, जो कि काफी फास्ट काम करता है दोस्तों। और दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन में आपको 3.5 का ऑडियो जैक देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोनों फोन के वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में, तो दोनों फोन का वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत बड़ा फर्क देखने को मिल जाता है। Realme C53 के अंदर 1080p से 30fps पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आईकॉन S2 स्टार में आप 720p तक आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कोई भी FPS प्रोवाइड नहीं किया गया, 720p दिया गया है, ज्यादा कुछ अच्छा दिया नहीं गया दोस्तों। तो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में ये फोन बिल्कुल खराब रहने वाला है। दोनों ही फोन में आपको एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिल जाता है, तो एंड्रॉइड 14 और 15 का भी अपडेट दिया जाएगा दोस्तों फ्यूचर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चिपसेट आईकॉन S2 स्टार में प्रोवाइड नहीं किया गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों Realme C53 के अंदर चिपसेट प्रोवाइड किया गया है, इसमें आपको यूनिसॉफ्ट टाइगर T6 12 का चिप सेट देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये फोन बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है दोस्तों। बहुत सारा ऐसा फीचर्स है जिसमें Realme C53 विजेता रहा है दोस्तों, कुछ ऐसे कम भी फीचर है जिसमें आईकॉन S2 स्टार भी विजेता रह चुका है। कहें तो फीचर्स के हिसाब से बहुत कम फीचर्स आईकॉन S2 स्टार में देखने को मिलता है कंपेयर टू Realme C53, क्योंकि इसमें आपको अच्छा फीचर्स देखने को मिल जाता है दोस्तों। 9500 के प्राइस में अगर आप फोन खरीदना चाहते हो, तो लुकिंग के साथ खरीदना चाहते हो, तो दोनों ही फोन में आपको लुकिंग बेस्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन फीचर के हिसाब से तो आपको Realme C53 बेस्ट है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दोनों फोन में से आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा किया है, दोनों फोन में से बेस्ट कौन सा है। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।